की। राम राम भाई। तो आज का व्लॉग भाई हमारा कुरुक्षेत्र का है और आज हम तीनों जान लाग रहे हैं। मैं अपना भाई है रोहित तो या अपनी महिला परमानेंट है राजीव भाई। है तो आज हम कुरुक्षेत्र के जो मेन जो ज़्यादातर चीज़ फेमस है ना उसके बारे में बताऊँगी आपने। आप जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक, देखते रहिए हमारा व्लॉग ट्रिपल एच आर व्लॉगर्स। मुस्कुराहट का नज़ारा, गाड़ी आ गई है, गाड़ी रेल। क्षेत्र का बोर्ड, पुराना बोर्ड है यो, अब नया बोर्ड आओ भाई। से हम उतर गए, हमारी ट्रेन भी चलना करी है। अब ये हमारा कुरुक्षेत्र जंक्शन का स्टेशन है, बहुत मस्त बना रखा है। यो भी किले की तरह बनाया है, देख किला सा इसका व्यू है भाई। अपने ये बीच से आउट करेंगे निकास बोले तो, बहुत अच्छा स्टेशन बना रखा है भाई। यहाँ से अरे भाई इसके बाद अपनी लोकेशन पे जाऊंगे जो भी हमने सेट कर रखी है। यहाँ पे अभी मन्नियों का चक्कर भी बना रखा है, दिखाते हैं। अभी थोड़ी सी सामने जाना पड़ेगा उसके तो भाई, और चक्कर याड़े बना रखा है वो ना उड़ा। अरे भाई यहाँ से ऑटो रिक्शा वगैरह लेंगे और फिर अपनी लोकेशन पे जाऊंगे, दो मिनट में देखेंगे वहाँ पे पहुँच के फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो बने रही है हमारे साथ, हमारे भी लोग में रोहित के साथ।
भाई फाइनली हम ब्रह्म सरोवर पहुंच गए भाई। यार देव चालू हो जाए शायद आगे रही तो नहीं सुमारी के लिए चलना आ रहा है। मैं भी पीछे चलना हो रहा हूँ, मतलब मैं पीछे उतर गया था और सामने फ्रंट पे भाई एक नंबर की चीज है, कृष्ण जी की मूर्ति है, वहां से दो पास में जाके आपको दिखाएंगे पूरा। पूछ ले भाई वो सब मूर्ति कृष्ण जी छो मो रहे हैं बस थोड़ा सा हल्की हल्की दादी। यहाँ तो सिनेमैटिक आ चला तो भाई यहाँ से ब्रह्म सरोवर बिल्कुल सामने ही है और यहाँ पे धर्मशाला भी बहुत पुरानी पुरानी है कुछ हिसाब की, बढ़िया भी लग गया। बाकी सामने मंदिर है, मतलब ब्रह्म सरोवर से स्टार्ट हो जाएगा गली तो नीचे तटते एक भाई ने बताई है घटते सामी था, मतलब अंकल टाइप था, अंकल टाइप के अंकल था। तो भाई सामी ब्रह्म सरोवर है अब भाई मार्केट जो मेन रोड है जो इसका उसके सामने यहाँ मार्केट लगी हुई है इस रोड पे, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे खरीदने के लिए। अब यहाँ से एंट्रेंस करेंगे ऊपर तक व्यू देखेंगे। हाँ नून है ना मंदिर। तो ये हमारा रोहित पहुंच गया ब्रह्म सरोवर, मस्त बनेगा वो एक मथुरा में बना है। हाँ हाँ देखा मैंने वो मथुरा में भी तीन बन रही है, तो एक क्या बिल्डिंग है उसी वाड़े तीन बन रही है सेम। तो भाई यहाँ से आपको बेस्ट व्यू देंगे, यो भाई ब्रह्म सरोवर है पूरा, यो मैन मंदिर और वो पूरा उड़े थी है। इसका निर्माण है ना वर्मा जी ने खुद करवाया था और भाई रुपये ढूंढना आ रहा है एशिया का तो सबसे बड़ा ना हुआ पर भारत का सबसे बड़ा कुंड है ब्रह्म सरोवर बर्मा जी का मंदिर। तो भाई यहाँ से हमने दर्शन कर लिए अपने जूते पहनेंगे फिर आपने थोड़ा एक्सप्लोर करवाऊंगे ब्रह्म सरोवर। और ये रिकॉर्ड फीस है वो तो और बड़ी बड़ी भी पाऊंगी इसमें बहुत बड़ी बड़ी कैट फीस है हाथ में ना भाग ले तू। यज्ञ करते हुए पांडव मैं वो काट लूं अपनी घोड़ा वेद व्यास और गणेश महाराज जो जिसने महाभारत की रचना करी थी ये इंग्लिश में लिख रहा है वो इसने पढ़ना तो पढ़ लियो फोटो तक के देंगे थारे दम निशु तू ही बोल लिया अगर कुछ वीडियो में ये देख जो बहु गला बोलेगा बस और जीत श्री कृष्ण ने वो नहीं दी थी अर्जुन ते गीता ज्ञान ये वो वाला पोत है और ये वो वाला रथ है यो रथ वो रथ है जिसने देख कर करण नु बोला था कि यो रथ देख कोई भी घबरा सकता है सिर्फ महादेव के अलावा
रत भाई महादेव भी नहीं घबराते, पर देखो आगे दिखाओगे वो अर्जुन है बीच में वो श्री कृष्ण फोटो करा लो भैया फोटो जी फोटो नारायण के भाई हम खुद ले रहे हैं फोटो के रुपये मल्ल है देख श्री कृष्ण का मुख देखो थोड़ी थोड़ी छो मैं बता रहे अर्जुन था कि प्रिय अर्जुन कोई अपना नहीं होता, परिस्थिति के जो भी है जो जो समय वो अपना हो वैसे और कोई अपना नहीं होता। मैंने कहना ना आया यहाँ स्नान किया जाता है भाई कुंड में, जिस तरह इंसान के पाप पिछले जन्म के पाप अगले जन्म के पाप कट जाए, क्योंकि इंसान बहुत पापी होता है। ये फोटो खींचन तैयारी है तो हमारा ब्रह्म सरोवर का ट्रैवल तो अपना पूरा हो गया है। हरवेश के बाद जाऊंगे पैनोरमा में, पैनोरमा पैलेस साइंस म्यूजियम था वो जो भी हो, मंदिर है, मंदिर भी है, मंदिर था ना, तो वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे। आप सीधा वाड़े जाऊंगे, यहाँ हमारा सारा व्यू हो लिया है।